दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। और आखिर में QR कोड दिया है हमारे चैनल की सहायता करने के लिए, आप QR कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है लीगल अवेयरनेस, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट मुश्ताक शेख। तो आइए हम बात करते हैं। मुश्ताक जी, आज का हमारा टॉपिक रहेगा घरेलू हिंसा जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर फेस टू फेस में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, घरेलू हिंसा क्या होती है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, घरेलू हिंसा, बहुत लोगों को लगता है घरेलू हिंसा मतलब शारीरिक चोट पहुंचाना ही घरेलू हिंसा होती है, जबकि DV एक्ट, जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005, उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया हुआ है कि क्या क्या एक वायलेंस में माना जाता है, जिसमें फिजिकली असॉल्ट, जैसे मारना, तोड़ना, लात मारना, घूसा मारना, इस तरह का, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसको हिंसा कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा गाली देना, शक करना, अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना, ताना कसना, ये सारी चीजें भी ही घरेलू हिंसा में शामिल कर दी गई थी 2005 के अंदर। तो क्या ये छोटी छोटी जो हिंसा होती है, गाली गलौज भी एक छोटी है, तो क्या उस पे भी मतलब कार्रवाई हो सकती है, कंप्लेन हो सकता है? जी देखिए, कैसा है मालूम है क्या, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं तो नॉर्मली पत्नी अपना जॉब छोड़ के, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि पत्नी शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ देती है और सारा समय घर में देने लगती है, और पति दिन भर घर के बाहर रहता है और अर्न करने की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाता है और घर की सारी जिम्मेदारी औरत उठाती है। अब इस हालत में अगर घर में पति के कुछ सदस्य हैं, जैसे उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसके पिताजी है, देखिए टॉर्चर अनेक तरीकों से हो सकता है। जैसे बात बात पे ताना कसना, अगर आपको, अगर काम की जगह पे कोई हर बात पे ताना कसने लगे तो शायद आपका वहाँ पे जॉब सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से पत्नी को अगर कोई ताना भी कसता है बार 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 बार, तो जीना मुश्किल हो सकता है, दुभर हो सकता है। इसी के कारण इस तरह के कानून का प्रावधान किया गया था। जी मुश्ताक जी, महिलाओं के लिए तो काफी कानून बने हुए, क्या पुरुषों के लिए भी, जो पुरुषों के राइट्स का जो हनन होता है, पुरुषों को अगर ताना सहना पड़ता है या पुरुषों के ऊपर जुल्म होता है, तो इसके लिए कानूनी क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में बताइए, क्या प्रावधान? जी देखिए, आप पता नहीं किस कैसा मतलब आपका व्यूज इस तरफ जा रहा है कि पुरुष को ताना सहन करना पड़ता है। वो तो मतलब मजाक में, अगर हम जोक में देखें तो बहुत सारे जोक पत्नी के तानों पर बने हुए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि पत्नी के ताने से कोई भी पति इस हद तक परेशान नहीं होता कि उसको वो घर छोड़ के भाग जाए या घर छोड़ के चला जाए। अमूमन हमारे समाज में ये नहीं देखा जाता, इसीलिए हमारे यहाँ पे कानूनन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें के पति को प्रोटेक्शन मिल सके। जहाँ तक घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात है, वो सिर्फ महिला कर सकती है, एक महिला के द्वारा ही वो फाइल किया जा सकता है, पुरुष नहीं कर सकता, उसके लिए कोई कानून में कोई प्रावधान नहीं है। बदल रहा है, पुरुषों के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसके लिए कुछ कानून नहीं है, मतलब पुरुषों के लिए? देखिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू मतलब फैमिली के अंदर, फैमिली के अंदर मतलब पति पत्नी के बीच में, माँ बच्चे के बीच में, सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया हुआ कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, उसको सिर्फ महिला इस्तेमाल कर सकती है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, कोई भी महिला हो फैमिली की, वो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है, इसके अलावा कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये कानून की परिभाषा में डिफाइंड है,
तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि पुरुष के नहीं, लिए कुछ लेकिन प्रावधान नहीं है। हाँ आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ डिस्क्रिमिनेशन है मेल फीमेल में? अगर मेल के ऊपर, अगर हस्बैंड के ऊपर भी अगर जुल्म होता है, और अगर आजकल बुजुर्गों पे भी ज्यादा जुल्म होता है, जो पेरेंट्स है, पत्नी कहती है कि हम आपके पेरेंट के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे भी केस ज्यादा आते हैं, तो इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से अधिकार है, जो जहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को न्याय मिल सकता है उसके लिए अलग प्रणाली है, एक पूरी की पूरी प्रणाली और पूरा एक पूरा कानून, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं गिन सकते। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्शन है, चाहे वो घर की महिला पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो या माँ हो, सारे को उसमें अधिकार प्राप्त है। और अगर जहाँ तक पुरुषों की बात है, हमारे समाज में ये मान्यता के खिलाफ है कि पुरुष भी कोई प्रताड़ित हो सकता है परिवार में। कई सारे केसेस में देखने में आता है कि जब भी पुरुष को दिक्कत होती है, वो अर्न मेंबर रहता है, वो घर छोड़ के चला जाता है, और सीआरपीसी 125 के अंदर फिर पत्नी न्याय मांगने के लिए कोर्ट के पास जाती है ताकि कुछ पैसा ले सके, इंटरिम रिलीफ ले सके, लेकिन पुरुष बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, पुरुष कभी बर्दाश्त नहीं करता किसी भी तरह की हिंसा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। जी मुश्ताक जी, अगर ऐसी कोई नौबत आती है, पति और पत्नी के बीच में तलाक होता है और उनके 2 3 बच्चे हैं, तो किस तरह से वो बच्चे माँ के पास रहेंगे या बाप के पास रहेंगे, इसके लिए क्या कानून है? जी देखिए, जिस तरह से कानून है, कई जैसे मैरिज एक्ट अलग अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग है। हर कानून में किसी में 5 साल की उम्र के बच्चे की कस्टडी बाप के पास जा सकती है, किसी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में 7 साल तक के बच्चे की कस्टडी जा सकती है बाप के पास, लेकिन वो बाप उतना कैपेबल होना चाहिए कि उसकी देखभाल कर सके, और उसको कोर्ट के सामने सिद्ध करना होगा, नहीं तो नेचुरल कस्टडी जो है माँ के पास ही रहेगी। नेचुरल कस्टडियर माँ ही समझी जाती है हर केस में, बच्चे की केयरिंग के लिए। जी मुश्ताक जी, एक नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनमें भी एक दूसरे से झगड़ा आता, तो क्या ये जो मामला है ये डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जी इसको किस तरह से? देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ पारिवारिक मामला आएगा जो परिवार से संबंधित है, और परिवार से संबंधित वो भी महिला सदस्यों के लिए हो, लेकिन आजू बाजू वाले के साथ झगड़ा है तो उसके लिए अलग से सेक्शन है, जैसे झापड़ मार दिया तो, और कुछ गंभीर चोट कर दिया, इसके लिए हमारे पास आईपीसी की अलग अलग धाराएं हैं, जैसे आईपीसी 323, 324, 325, जिस किस्म से मारपीट हुई, कितनी गंभीरता है उसकी, 323 से लेकर 326 तक उस पे धाराएं में पुलिस कार्रवाई कर सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आ सकता है पड़ोसी। जी अगर कोई ऐसा मामला आए, महिला अगर अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है और हस्बैंड उसको तलाक देना नहीं चाहता, तो वो महिला क्या कर सकती है, उसके क्या अधिकार है? महिला तलाक लेना चाहती है और और हस्बैंड तलाक हस्बैंड नहीं देना चाहता। देखिए कैसे है मालूम है, डिवोर्स हिंदू बहुत के तहत और मुस्लिम कानून के तहत क्या अंतर है, उसको भी डिफाइन जी कीजिए। देखिए क्या है मालूम है, मैरिज जो एक्ट है हमारा, उसमें सब धर्मों में अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। मुस्लिम मैरिज अलग मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, इवन जूडिज्म के लिए भी और पारसीज का भी मैरिज एक्ट अलग है। अब हिंदुइज्म में, जहाँ तक इस्लाम छोड़ के बाकी किसी भी धर्म में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट पहले से धार्मिक रूप से मौजूद नहीं था, इस्लाम छोड़ के, तो वहाँ पे बड़े सारे सेक्शन है वहाँ पे, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 30 13 के अंदर, आप म्यूचुअल कंसेंट में अगर दोनों लोग अगर रेडी है तो कोर्ट वहाँ पे सुनवाई कर सकता है, जिसमें अमूमन 1 साल के अंदर डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट कभी भी प्रिफर नहीं करता कि कपल को अलग कर दे, वहाँ पे काउंसलिंग होती है और वहाँ पे फुल ट्राई किया जाता है कि दोनों कपल वापस से अपने डिफरेंसेस भुला के एक हो जाए। तो कोर्ट का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि डिवोर्स देना है, कोर्ट का मेन इंटेंशन ये है कि दोनों को वापस जोड़ के एक कर देना है।
को ऐसा मामला होता है कि महिला को तलाक चाहिए ही रहता है कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। और वो एक गरीब महिला है और वो कुछ एफोर्ड भी नहीं कर सकती कि कोई वकील को हायर करे या कोई आगे की कार, तो क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है क्या, कोई वकील गवर्नमेंट की तरफ से उनको सहायता करे? कुछ जी ऐसा मामला आता है, बहुत बार देखा ऐसी गया। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं को मुफ्त में वकील प्रोवाइड करती हैं, उसमें कोई शक नहीं है। कई जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस में भी मुफ्त में वकील प्रोवाइड किया जाता है और ऐसे केसेस में, लेकिन डिवोर्स का ग्राउंड कभी भी स्ट्रांग चाहिए। महिलाओं को अगर डिवोर्स चाहिए तो वो क्यों चाहिए, इसका स्पेसिफिक रीज़न चाहिए। विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, डिवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता। जी, जैसे आपने बताया बहुत सारी संस्था होती है, तो क्या आप एक दो अभी संस्था को जैसे हमारे आपने पास मुंबई में जैसे आपने जो सवाल किया था, महाराष्ट्र? जैसे आपने सवाल किया था एक महिला को डिवोर्स चाहिए, अगर कुछ ऐसे ग्राउंड होते हैं जैसे कि पुरुष बहुत क्रूअल है, यानी कि बहुत उसके अंदर एग्रेशन है या उसके साथ जिया नहीं जा सकता, क्रूअल अटैक करता है और उसके प्रमाण हो, या वो नपुंसक हो, या उसको किसी तरह की ऐसी फैलने वाली बीमारी लग गई है जैसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, ऐसे कुछ ग्राउंड से जिस ग्राउंड में आसानी से डिवोर्स हो सकता है, अलावा इसके छोटी मोटी बात पे आसानी से डिवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता। जी मुश्ताक जी, जो घरेलू हिंसा है, इसको उसका किस तरह से समाधान किया, क्या उपाय है कि घरेलू हिंसा कम जो हो रही है ज्यादा आजकल जो जमाने में हो रही है, कम से कम हो या नहीं हो, उसके लिए आप हमारे दर्शकों को आखिर में क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो घरेलू हिंसा से ही बचे ताकि कोई आगे की कार्रवाई करने की जरूरत ही ना पड़े? देखिए शादी जो है ना, शादी वो स्टार्ट ही बोलते हैं ना एडजस्टमेंट है, शादी एडजस्टमेंट ही है, और एडजस्टमेंट की वजह से शादी जुड़ती है, बनती है और चलती है। जहाँ एडजस्टमेंट नहीं, वहाँ पे फिर डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आ जाता है। तो मेन सबको ये सोचना चाहिए कि एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसे एक बुक में पढ़ा था कि दो कपल थे, दोनों एक कपल था, दोनों एग्रेसिव थे, बस उनकी जिंदगी भी हंसते हंसते कट गई। बस एक नियम उन्होंने अच्छी तरह से पाला, एक को जब गुस्सा आया तो दूसरा खामोश रह गया। मुश्ताक जी, आज का जैसे हमारा टॉपिक है घरेलू हिंसा, और भी आपको कोई लगता है कि हमारे दर्शकों को और भी इससे रिलेटेड कुछ पहुंचाना हो घरेलू हिंसा के ताल्लुक से, कोई और पॉइंट हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, जो मैं सवाल नहीं कर सका या भूल गया हूँ, कोई ऐसा पॉइंट है जो आप घरेलू हिंसा के ऊपर हमारे दर्शकों से शेयर कर सकते हैं? जी देखिए, घरेलू हिंसा कई बार लोग शिकायत करते हैं कि पत्नी बहुत अच्छे से थी, मज़े में थी, फिर भी वो चली गई और मेंटेनेंस मांग रही है। घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में क्या हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्या? अभी 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, वो सुप्रीम कोर्ट के नए गाइडलाइंस के हिसाब से हर हाल में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि वो जॉब करती है फिर भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा क्या? जी हाँ, मेंटेनेंस फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड गिना जाता है, हस्बैंड का स्टैंडर्ड वाइफ को प्रोवाइड करना है। अभी जैसे हस्बैंड की सैलरी 1 लाख थी और वाइफ अगर जॉब करती है और वो 15,000 की सैलरी पे है, तब भी वो मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट कर देगा वाइफ को। तो मतलब कुल मिला के ज़्यादातर कानून है महिलाओं के पक्ष में रहेंगे और मेंटेनेंस उनको ग्रांट होगा। कुछ एक्सट्रीम मतलब अगर शादी को ज्यादा समय नहीं बीता है, शादी अगर शॉर्ट पीरियड की है, वहां पे हस्बैंड को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा हर जगह पे मेंटेनेंस और बच्चों का खर्चा पति के जिम्मे आएगा ही आएगा। तो बेटर है कि अलग रह के खर्चा उठाने से बेहतर है दोनों साथ रह के एक दूसरे का साथ निभाएं। मुश्ताक जी, एक सवाल है जो फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, जो मुझे शौक लगा कि जो पुरुषों का जो हनन होता है, जो पुरुषों के ऊपर जुल्म होता है, उसके लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? अगर कोई पत्नी उसको टॉर्चर करती है, जुल्म करती है और
जो पुरुष है वो खुद तलाक लेना चाहता है और उससे दूर रहना चाहता है और पत्नी उसको दूर नहीं करना चाहती है। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि कोई कानून होना चाहिए या आगे चल के बनना चाहिए? क्योंकि आजकल हमने भी बहुत देखा है, बहुत सारी स्टोरी मैं अपने आंखों से देखा हूँ, जो पुरुषों पे जो जुल्म होता है उसके लिए क्या समाधान है कानून के द्वारा? अत्याचार की ना परिभाषा होती है, जैसे मैंने बताया कि पत्नी गाली दे रही है, पति गाली दे रहा है, तो पत्नी को मानसिक टॉर्चर होगा। पत्नी अगर पत्नी गाली दे, गाली की जगह पति का स्वभाव बहुत अच्छा, बहुत शरीफ पति है। और ये एक अलग पहलू है कि जहां पर महिला है, मतलब बहुत एग्रेसिव और बहुत ताना कसती है या जुल्म करती है, और पुरुष बहुत शांति से है, उसके लिए क्या कर सकता है आगे चल के? देखिए डिवोर्स के ग्राउंड जैसे मैंने महिलाओं के लिए बताए थे, वैसे पुरुषों के लिए भी है डिवोर्स के ग्राउंड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई पत्नी महारोग से पीड़ित है, शारीरिक सुख देने के लिए असमर्थ है, मतलब वही ग्राउंड लगभग पुरुषों के लिए भी अवेलेबल है, ग्राउंड के लिए, डिवोर्स के ग्राउंड के लिए। तो अगर ऐसी कुछ हालात है जो आप साबित कर सकते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं कि आप पत्नी के साथ अब निभाव ही नहीं हो सकता, तो जैसे क्रूरता है, अगर पत्नी का क्रूरता आप सिद्ध कर सकते हैं, तो पति को भी वो क्रूरता के आधार पर डिवोर्स मिल सकता है। जी, मुश्ताक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को कानूनी सलाह देने के लिए, और जो घरेलू हिंसा जो टॉपिक था हमारा, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिल चुके होंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, धन्यवाद।